पंजाब विधानसभा दे विच शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव अंबेडकर महाराजा रणजीत सिंह दे पुत लगनगे। इस संबंधी विधानसभा दे विच मता पास होया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दे पहले विधानसभा सैशन का तीजा ते अखीरला दिन सी। पंजाब विधानसभा विच प्रस्ताव पेश किया गया कि शहीद भगत सिंह ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। उन्हां दी शहीदी ने भारत के लोगों ऐसी चिण गलाई कि अंग्रेजों को देश आजाद छड्डण लई मजबूर जिहड़ा होना पिया। सो पंजाब दे हर नौजवान दे देश दे हर नौजवान दे शहीद आजम भगत सिंह रोल मॉडल ने। वह 23 साल दे सी जिस वेले शहीदी हुई है, वह अज भी 23 साल दे ने, वह 23 साल दी रहणगे, अमर ने। तो इस तों इलावा देश आजाद होने तो बाद देश दे संविधान जिहड़ा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्होंने संविधान लिखिया, इसे करके उन्होंने संविधान के निर्माता कहा जाता है। इस तरह दी महान शख्सियतों को हमेशा याद रखना चाहिए तो उन्होंने जिंदगी तो सेध लेनी चाहिए है। इसलिए इस सदन राज सरकार को पुरजोर सिफारिश करता हाँ कि शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के बुत पंजाब विधानसभा लाए जाने की योग कार्रवाई की जा सके, लोगों के नुमाइंदे उन्होंने तो सेध लै सकन ते निरस्वार्थ भावना नाल देश की सेवा कर सकन। इस संबंधी कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने महाराजा रणजीत सिंह का भी बुत लाने की मांग की, क्योंकि इस तो पहला पंजाब सरकार ने विधानसभा शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का बुत लाने का फैसला लिया। बहुत नेक ख्याल ने सीएम साहब जिते उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह अंबेडकर जी के बुत की गल की, तो मैं राय दवांगा कि एक ही गोल्डन पीरियड रहा सिख राज का महाराजा रणजीत सिंह जी, उन्होंने भी जरूर याद रखिए, उन्होंने भी जरूर किया जाए। फोटो ही लगी बुत की गल कर बुत की गल कर रहे, जो फोटो होंगे तो बाकी ने भी लगिया ने हाँ। ये मैं चाहवागा कि महाराजा रणजीत सिंह जी का भी इतने दो तुम बहुत अच्छे कदम उठाए, ये भी करो क्योंकि अगे भी बहुत कुछ अजे साढ़े सामने आना जिस वास्ते सानू तिना की ही बड़ी लोड़ रहनी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रताप सिंह बाजवा के सुझाव को सिर मथे लिया। उन्होंने इसे एक चंगा सुझाव दसिया, भरोसा दिता कि कदम चुकया जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव बाजवा साहब, जिन्होंने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने कुरबानी उन्होंने राज में भूल नहीं सकते, बहुत बहुत मेहरबानी इसका सुझाव दिता और असं ये बारे भी जो कार्रवाई करेंगे। बीजेपी आगू अश्विनी शर्मा ने कहा कि शहीदों को बन के नहीं रख सकते, ये चंगा फैसला है कि उन्होंने बुत इतने लगाया जाए। शहीद पूरी कौम का सरमाया ने और उन्होंने असी बन के नहीं रख सकते। भगत सिंह केवल पंजाब नहीं हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान तो बाहर भी जिहड़े देश दे नाल प्यार करन वाले लोग ने उन्हां दे आईकोन ने। यह बहुत वड्डा निर्णय है, अच्छा निर्णय है कि उन्हां दी प्रतिमा जिहड़ी है इत्थे स्थापित की जाए, लेकिन प्रतिमा काफी नहीं है। उन्हां दी आइडियोलॉजी उन्हां दा जिहड़ा विचार है वह केवल नारे दे नाल नहीं पूरा होना कि असीं हाउस दे अंदर इनकलाब जिंदाबाद बोल दिए ते इनकलाब कहदा ये, क्योंकि हाउस पहला चल रहा है इस करके इहदे अंदर कोई तलखी वाली गल नहीं करनी। असीं प्रण करके बैठे सी कि यह हाउस अच्छे तरीके नाल, लेकिन मैं लगता डिबेट नहीं होनी चाहिए सी। मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप की एक टिप्पणी की है, वो मैं लगता कि मैं माफी दे नाल कहांगा कि वो जे प्रश्न ना भी करते तो ज्यादा सुखाला रहा। रही गल बाबा साहब अंबेडकर जी की संविधान दियां गल्लां आपां सारे करदे, मैं एक मिनट का सहमति है या असहमति, मेरी सहमति क्यों नहीं होगी, मेरा एक मिनट जो तुम मौका देता है तो ले लो। देश भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि के नाल सुशोभित किया,
और उन्हां दी आइडियोलॉजी साडे जीवन का हिस्सा बने। असी संविधान की गल असी कहने संविधान निर्माता ने, मैं केवल संकेत दियांगा क्योंकि चीफ सैकटरी साहब बैठे ने, मैं उन्होंने एक पत्र लिखा और मैं उम्मीद करना कि उसका जवाब जरूर आएगा आज, अगर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा से असी सारा ने स्वीकार की है और चर्चा बाद होगी। मैं इस निर्णय का स्वागत करना और मैनू लगता है महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब के लिए पंजाबियों के लिए उन्होंने जोड़ा राज अज भी एक उदाहरण है। वह भी सुझाव जोड़ा वाजपा जी वालों आया है, तिने ही सलाहकार योग ने मुख्यमंत्री जी ने सराहना योग कदम उठाया, उन्होंने धन्यवाद। नतीजा हुण पंजाब विधानसभा विच शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ते महाराजा रणजीत सिंह दे बुत लगणगे। पंजाब च नवीं बनी आम आदमी पार्टी दी सरकार दे पहले विधानसभा सैशन दा तीजा ते अखीरला दिन सी। विधानसभा च नवे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने वोट आउट अकाउंट पेश कीता, जिस विच मान सरकार ने अगले कुछ महीनों तक खर्चा चलाउण लई विधानसभा तों मंजूरी मंगी। पंजाब विधानसभा विच वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा पेश कीते वोट आउट अकाउंट बिल नूं पास कर दिता गया। आउंदे तीन महीनों अप्रैल मई अते जून लई सूबे वास्ते 37,000 करोड़ का बजट पास किया गया। सदन की शुरुआत विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि भेंट करके की गई। फिलहाल हुण समां इक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद सीएम भगवंत मान दे एक होर अहम ऐलान दे बारे जाणांगे। तेई मार्च नूं पंजाब भर दे विच सरकारी छुट्टी होवेगी। 28 सितंबर नूं शहीद भगत सिंह दा जन्मदिन स्कूलां कॉलेजां दे विच मनाया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। इस दौरान पंजाब विधानसभा दे विच सीएम भगवंत मान अते कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आमो सामने नज़र आए। पंजाब विच 23 मार्च नूं पूरे सूबे विच सरकारी छुट्टी रहेगी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव अते राजगुरु की बरसी उत्ते सीएम भगवंत मान ने विधानसभा विच यह ऐलान किया है। इस तो पहला सिर्फ नवां शहर विच ही सरकारी छुट्टी रहिंदी सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि शहीद सिर्फ नवां शहर दे नहीं बल्कि पूरे देश दे ने। पंजाब सरकार वल्लों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी अते ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੱਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਤੂੰ ਹੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 28 ਸਤੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं संबोधन होकर कहा कि अगला सैशन लंबा होगा। मैं राजा वड़िंग जी, मैं चाहना कि अगला सैशन आप काफी लंबा करेंगे और तुम खुला टाइम मिले और पढ़ने का भी मौका मिले, कुछ सुझाव आएंगे सरकार जी इस सब विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 28 सितंबर नूं शहीद भगत सिंह दा जन्मदिन है ते उस दिन सारे स्कूलां ते कॉलेजां विच शहीद भगत सिंह ते कोरियोग्राफी नाटक करवाए जाणगे। इत्थे इक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद अरविंद केजरीवाल दे अहम ऐलान दे बारे जाणांगे। दिल्ली विच सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से होगा, यह ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। की होगी इस स्कूल की खासियत सीएम केजरीवाल तो सुनते हैं। भगवंत मान की पंजाब सरकार तो इलावा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी वड्डा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस मौके दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम उत्ते होगा। कल 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। सीएम केजरीवाल ने कहा कि स्कूल विच सब कुछ फ्री होगा, रिहायश तो लैके हर सुविधा मिलेगी। चारुंदा कला विच 14 एकड़ जमीन उते स्कूल बन रहा है। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम मॉडर्न स्कूल सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। दावा किया कि फिलहाल 200 सीटा ली 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए
इसके टेस्ट हो रहे हैं, और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं, वो फेज़ वन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, और सेकेंड फेज़ में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है एक शहीद आज़म भगत सिंह को उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे स्कूल देशभक्ति बजट के तहत सरकार की परियोजना का हिस्सा है। केजरीवाल सरकार का स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जुड़िया होगा। हुण एक होर ब्रेक लई रुकदे हां ते ब्रेक तो बाद शहीद भगत सिंह संबंधी पाकिस्तान तो रिपोर्ट वेखांगे। पाकिस्तान ने भी शहीद भगत सिंह दीयां यादां नूं संभाल के रख्या होया है। शहीद नाल संबंधित सारा रिकॉर्ड महफूज है। शहादत नूं अमर रखण लई ऊपर दस्तावेजात आर्काइव डिपार्टमेंट में भगत सिंह के बारे में मौजूद हैं, जिसमें काबिले जिक्र वो FIR जो उन पर दी गई थी उसका अंग्रेज़ी और उर्दू तर्जमा, फिर जो कर्नल सैंडर्स को उन्होंने कत्ल किया था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसके बाद भगत सिंह जब यहाँ लाहौर जेल में बंद रहे तो जो वो किताबें पढ़ते रहे वो हैं, जो उन्होंने शायरी लिखी वो हैं, जो उन्होंने डायरी लिखी उसकी नकल है हमारे पास और असल भी मौजूद है, वो भी देख सकते हैं आप। प्लस उन्होंने एक पिटीशन की थी, फिर जो ट्रायल उन पर चला था जिसको कि आप लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से आज याद करते हैं, उसकी पूरी तफसील हमारे पास मौजूद है जी। इसकी नुमाइश हम कभी कभी करते हैं, लास्ट नुमाइश 3 साल पहले हुई थी, और ये सारे जो डीक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और प्लस भगत सिंह पे एक ब्रीफिंग वो साथ साथ हमने चलाई थी, अब हम दोबारा भी इसका प्लान कर रहे हैं जी। बिल्कुल, हमारे पास पंजाब में छोटी बड़ी मिला के 12 से ऊपर लाइब्रेरीज़ हैं, जिनमें बड़ी लाइब्रेरीज़ में तो कायदे आज़म लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, बहावलपुर लाइब्रेरी, मॉलटन लाइब्रेरी, ये काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा छोटी लाइब्रेरीज़ भी हैं, और रवा माली साल में हमारे तकरीबन 750 मिलियन के प्रोजेक्ट्स इन लाइब्रेरीज़ के हवाले से चल रहे हैं। इसमें 2 नई लाइब्रेरीज़ हैं, एक मुरीद के वाली और एक आर्किटेक्चर सोसाइटी वाली, प्लस कुछ लाइब्रेरीज़ की हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, वहाँ पर नई सहूलियात दे रहे हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म 1907 नूं होया सी। शहीद भगत सिंह का पाकिस्तान विच घर मौजूद है, पिंड बंगा, तहसील जड़ांवाला, जिला फैसलाबाद, पाकिस्तान। देखिए, भगत सिंह इस धरती में पैदा हुआ, बंगा जड़ांवाला में उसका गांव था। आज भी हुकूमत पंजाब ने उसकी जो हवेली थी उसको बड़ा डेकोरेट किया हुआ है, और बड़ा जहां पर वो तारीखी नौयत की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। उनका जो कमरा जिसमें वो भगत सिंह दरस व तदरीस किया करते थे, बैठा करते थे, रहा करते थे, उस कमरे को उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि भगत सिंह आज़ादी का हीरो था, और सही मानों में आज़ादी का हीरो था। ये बात है 1947 से पहले की, ये तो 20 साल पहले की जदोजहद की बात है। उसमें कोई ना इंडिया था ना पाकिस्तान था, ये सभी सब कॉन्टिनेंट की बात थी। ये उस ईरा की बात है जब अंग्रेज साम्राज्य इस खित्ते पर काबिज़ था, उस कब्जियत के खिलाफ, उस एक जबराना तसल्लत के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने, सुखदेव वगैरह ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और जानों का नजराना पेश करने का बुनियादी मकसद ये था कि वो ये बता सकें अंग्रेज साम्राज्य को कि आप इस मुल्क पर, इस धरती के वसाइल को लूट के लेके जा रहे हो। इस साबित साल 2012 च
पंजाब हकूमत पाकिस्तान ने लाहौर के मुख चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम उत्ते रखने का ऐलान किया। एक कमेटी भी बनाई गई सी। कुछ लोगों के इतराज बाद मामला कोर्ट में चल रहा है। 2012 में ये फैसला किया कि जो नए ब्रिजेस बने हैं, नए अंडरपासेस बने हैं, नए चौराहे चौक बने हैं, इनको आने वाली नस्लों को बताने के लिए तारीख के जो लोग थे उनसे मंसूब कर दिया जाए और उन्होंने किए भी हैं। बदकिस्मती से जो भगत सिंह का नाम था इनके नाम पे भी ये तजवीज़ हुआ कि चलें अकलियतों में से भी कुछ लोगों का होना चाहिए, तो भगत सिंह का नाम तजवीज़ हुआ। अभी कुछ दिन रहते थे ऑब्जेक्शन के एक मजहबी तंजीम ने हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी और अनफॉर्चुनेटली वो रिट में स्टे हो गया और होते होते फिर दोबारा रिट हमने की। हमने भगत सिंह फाउंडेशन बना रखी थी, मेरे खिलाफ़ वो रिट थी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ रिट थी, हमें लेबल लगाए गए लेकिन हम डरे नहीं, झुके नहीं। हमारा चूँकि एक ऐसा स्टैंड था जो कि हमारे पाकिस्तान के मॉडरेट इमेज को पेश करता था, एक जदोजहद करने वाले हीरोज़ को सलाम पेश करता था, तारीख को जागर करता था। लिहाजा बाद में जो हमने रिट फाइल की उसमें जो हाईकोर्ट से डायरेक्शन दी थी कंसर्न इदारों को कि जब भी ये आपके पास आएँ तो आप इस यादगार को तमीर करें। हमने जो सबका सेक्रेटरी थे नूर अलमीन मेंगल साहब उनके दौर में कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्तें दी कि ये हाईकोर्ट के ये ऑर्डर हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आज़ादी के जो हीरो थे उनको आप सलाम पेश करें, ट्रिब्यूट दें और उसका नाम उनके यादगार के नाम से तामीर करें। हमारा भी ये सिलसिला चल रहा है। हमें यकीन है कि जो अभी हम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे अभी 23 मार्च के बाद हम करने जा रहे हैं, तो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो कोर्ट डायरेक्शन देगी और इसको बायस नहीं होगी और किसी को ये इसका नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जो तबकात इसकी मुखालफत करते हैं हम उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे पीछे कोई ऐसी लॉबी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो नुक्ता नज़र है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हम इन्हें बता सकें कि इस तारीख के अदवार में, इस गुलामी के दौर में जिन लोगों ने जदोजहद की थी उनमें भगत सिंह का नाम भी एक शामिल था। और भगत सन 2012 में लाहौर की खूबसूरती वास्ते एक दिलकश लाहौर कमेटी बनाई गई थी जिन्हें लाहौर के मुख्तलिफ चौका सड़कों के चौराहों के नाम जोड़े ने कौमी हीरो के नाम तो मनसूब करने का फैसला किया। 2012 में ही शाद मान के एस फवारा चौक का नाम तहरीके आज़ादी के हीरो भगत सिंह के नाम तो मनसूब करने का फैसला किया गया, लेकिन कुछ लोगों के इतराज़ तो बाद उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकिया। 10 साल बाद भगत सिंह फाउंडेशन दोबारा कोशिश करती पी है कि अदालत के विचों यह मामला निपटाया जा सके, इसका फैसला लैके तो इस चौक का नाम दोबारा जोड़ा वो भगत सिंह चौक जोड़ा वो रखा जा सके। भगत सिंह इस धरती का पैदा सी, इतनी पैदा होया तो उन्हें इस धरती की आज़ादी वास्ते अपनी जान कुर्बान कर दी। हूँ तक लाहौर के इस चौक में भगत सिंह का नाम तो नहीं मिल सकिया, लेकिन भगत सिंह अज भी लखा इनकलाब पसंदा के दिलों में जिंदा है। फिलहाल दे लिए इना ही देश दुनिया दिया तमाम खबर वेखने लिए तुम वेखते रहो ABP साझा।